नमस्कार दोस्तों, उषा विलेज फूड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू। सुबह का खाना हमने इसी पे बनाया था, इसको मैं साफ करती हूँ, इसके बाद नई रेसिपी बनाऊंगी। चूल्हे को मैं इसको लेप लगाती हूँ, लाल मिट्टी से हमने इसको गोबर कर तैयार किया है। चूल्हे को हमने लीप लिया है। मैदा में हम रिफाइंड मिलाएंगे। रिफाइंड को अच्छी तरीके से मैदे में मिक्स करेंगे। ऐसे भी हथेलियों पर भी रगड़ेंगे, ऐसे जैसे हमारा बहुत ही खस्ता बने। खुरमा बनाने के लिए पहले रिफाइन को इसमें मिक्स करना होता है, जैसे बहुत ही खस्ता बने। मैदे को गूंथते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे, ज़्यादा हमारा गीला ना हो, टाइट ही गूंदेंगे। चकई को हम ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, इतना ही छोटा लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम तेल लगाएंगे। छोटा छोटा चकई हम बनाएंगे, बनाकर हम बेलते हैं। गोला नहीं बेलेंगे। खुरमा के लिए इसे लंबा बेलेंगे। पतला बेलेंगे, रोटी जैसा इतना ही पतला रहेगा, ज़्यादा पतला नहीं रहेगा। ऐसे इस तरफ से हम फोल्ड करते हैं, ऐसे ज़्यादा इसको दाबेंगे नहीं, ऐसे रोल बनाएंगे। देखिए, इसमें अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, होल दिखाई पड़ रहा है। इसको एक साइज में काटेंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे हम। खुरमा बनाने के लिए हम थोड़ा पतला ही रखेंगे। इसी प्रकार हम दूसरा भी बनाते हैं। इसको भी ऐसे रूल आकार में बनाएंगे, ज़्यादा दाबेंगे नहीं, हल्के हाथ से।
उसी साइज में इसको भी काटेंगे। सारा हमने कट करके रख लिया है, अब चलते हैं आग को जलाते हैं। आग को जलाते हैं, आग को जला लिया है। अब इसमें हम कढ़ाई को रखते हैं। चेक करते हैं, अभी थोड़ा और तेल को हीट करेंगे। हमेशा ऐसे पलटते रहेंगे, इसे सब साइड में अच्छे से ब्राउन हो, कम बेसी ना हो। ऐसे हम चलाते रहेंगे, हमेशा ऐसे पलटते रहेंगे। एकदम ब्राउन हो चुका है, इसको हम निकालते हैं। इसी प्रकार हम सारे बनाकर तैयार, अब सीरो को बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, सीरो को हम चलाते रहेंगे क्योंकि हमारा खुरमा बहुत ही अच्छा कलर आया है, एकदम ब्राउन, बहुत ही अच्छा मुलायम है। देखिए एकदम खस्ता है, फूट रहा है अच्छे से। आंच को हम कम करेंगे और इसमें हम इसको खुरमे को डालेंगे। आंच हमारा बिल्कुल कम है, आंच को कम रखें ताकि अच्छे तरीके से इसमें सीरा धस जाए अंदर तक, और पलटते रहें। दोस्तों हमारा खुरमा बनाने का तरीका आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताएं। दोस्तों हमारा खुरमा बहुत ही अच्छा बन रहा है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें। हमारा सीरा थोड़ा कम हो रहा है, चलाते रहेंगे थोड़ा टाइम, इसके बाद उतारेंगे, ठंडा होने तक इंतज़ार करेंगे। सीरा हमारा एकदम गाढ़ा हो चुका है, देखिए एकदम गाढ़ा हो चुका है। अब इसको हम उतारते हैं, इसको हम बीच में हमेशा चलाते रहेंगे जैसे सीरा एक जगह पे ना रह जाए।
लड़ते रहेंगे तो सिरा एक जगह पे नहीं जाएगा। दोस्तों देखिए हमारा खुरमा एकदम ठंडा हो चुका है, अभी थोड़ा गर्म है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इसको फोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा फूटेगा, अभी गर्म है। ये मीठा खुरमा है, आप इसे लंबे समय तक भी रख सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।